हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन को। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl से करेंगे, तो जिससे एल्डिहाइड और कीटोन अपने अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस्ड हो जाएंगे, या ऐसा कह लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाने वाला फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो CH2 में रिड्यूस्ड हो जाएगा और हम इस रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहेंगे। आइए अब इस बात को रिएक्शन से समझते हैं। देखिए ये क्या है, यह है कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, इतनी बात हम जानते हैं। हम यहां पर लेंगे 4H, इसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। और यहां पर जब हम करा रहे हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो हम यहां क्या लेंगे, देखिए ZnHg, जिसे हम क्या कहेंगे? जिंक, जिसे हम क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। और मीडियम रखोगे आप एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेट HCl यहां पे ले लिया। तो देखिए कार्बोनिल जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ध्यान से समझो। देखिए कितने हाइड्रोजन आपके पास, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, क्लियर। और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। तो याद रखो, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया CH2 में, या ऐसे कह लो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 में रिड्यूस्ड हो गया, सही है। अब ये CH2 किस में है, तो मतलब ये आगा आपका एल्केन, तो क्या बन जाएगा? एल्केन। तो अब ये कौन है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्केन में क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ऐसे याद रखो, कार्बोनिल ग्रुप जो होगी वो काय में रिड्यूस्ड हो जाएगी, एल्केन में रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब ये रिएक्शन जो है आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन है। चलिए एग्जांपल लेके बात करेंगे। हम यहां पे ले लेते हैं एल्डिहाइड में, ले लेते हैं CH3CHO, इसका कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है इथेनल, क्लियर। प्लस 4H जिसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ये रिजल्ट रखना है आपको, ZnHg और मीडियम है एसिडिक, कंसेंट्रेट HCl, क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, नोट करो क्या बनेगा, प्लस यहां से H2O बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ोगे तो क्या, यहां कितना हो जाएगा देखो, CH3 और 2 हाइड्रोजन यहां से आएंगे तो बन जाएगा CH3। अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो इसे, C2 और ये C2H6, तो ये कौन है, एथेन। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर एथेन देगा, और एथेन कौन है, एक तरह का एल्केन है, और एल्केन कौन है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो बात समझ में आई, चलो इसे नोट करो। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन का, और कीटोन में हम लेते हैं CH3COCH3, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन, और IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन, और हम इसे डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। 4H नेसेंट हाइड्रोजन, और यहां पर जिंक अमलगम, मीडियम एसिडिक, कॉन्सेंट्रेट HCl लिया है आपने, देखिए ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो बताओ क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, क्लियर। अब 2 हाइड्रोजन बचे, वो कार्बन के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH3, कौन बना, प्रोपेन, कौन बना, प्रोपेन। इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन रिड्यूस्ड होकर हमें क्या देगा, प्रोपेन देगा। तो एल्डिहाइड में हमने किसका एग्जांपल लिया था, एसिड एल्डिहाइड का, और एसिड एल्डिहाइड रिड्यूस्ड हुई और आपको क्या ऑब्टेंड हुआ, इथेन ऑब्टेंड हुआ, क्लियर। अब हमने यहां पर लिया किसका, एसीटोन, कीटोन में एग्जांपल किसके लिया, एसीटोन का, और एसीटोन रिड्यूस्ड हुई और आपको क्या ऑब्टेंड हो गया, प्रोपेन, क्लियर। अब ये
एथेन है या प्रोपेन है, कौन है ये? एल्केन सीरीज के सदस्य हैं, उसके मेंबर्स हैं, और ये सब कौन है? हाइड्रोकार्बन। कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए एक एग्जांपल आप खुद से करो, अगर हम यहां पर SCHO फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ये आप खुद से करना। चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसमें हिंट्स बता देता हूं। देखिए आप यहां पर फोर नेसेंट हाइड्रोजन लोगे तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन है, यहां से दो हाइड्रोजन लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, H2O बन जाएगा। अब दो हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ेंगे, यहां पर दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, दो यहां से आ जाएंगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, चार। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर एक कार्बन होगा और चार हाइड्रोजन, तो मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो होगी वो मीथेन में रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब पूरी रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी है, मगर आप जैसे ये ऊपर लिखी ना सही तरह से इसको लिख लेना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्लेमेंसन रिडक्शन को सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।